हेलो फ्रेंड्स, आज की ये मैथ की वीडियो में मेंसुरेशन यानी क्षेत्रफल का ये पांचवा वीडियो है। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या है हमारा कि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 14 मीटर, 8 मीटर और 5 मीटर है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये कमरा दिया गया है आपको, इसमें पूछा जा रहा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो हमारा क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। तो ये हो जाएगा कि कमरे का जो नीचे बेस है ना, वो परिमाप और मल्टीप्लाई हम कर देंगे इसका ऊंचाई से। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B मल्टीप्लाई ऊंचाई दे देंगे हाइट इक्वल टू। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे ये देखिए। ये हो जाएगा हमारा क्या, 2 × L का मान दिया गया है कितना, 14 और B का मान दिया गया है 8 मल्टीप्लाई ऊंचाई दिया गया है हमारा 5। इसे सॉल्व करते हैं तो 2 × 14 और 8 कितना हो जाएगा, 22 और मल्टीप्लाई 5। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा, 220। तो ये 220 मीटर स्क्वायर जो हमारा निकल गया, ये क्या निकल गया, दीवारों का क्षेत्रफल। इसी में पूछा जाता है कभी कभी कि इसमें कलर कराने के लिए आपको इस रेट से दे दिया जाएगा कि इसमें कितना खर्च लगेगा। तो दीवार का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे और प्रति इकाई जो दिया जाता है हमारा कि इतना खर्च लगेगा प्रति मीटर, उससे हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा खर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 8 मीटर और 5 मीटर दी गई है। अब इसमें क्या कहता है आपका कि उसके सतह पर 50 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने की लागत क्या आएगी यदि दरी का प्रति मीटर लंबाई लागत 12.5 रुपये दिया गया है। तो अब इसमें एक चीज समझ लीजिए, आपको क्या कहा जा रहा है कि दरी बिछाना है उसमें। तो दरी जब भी आपका बिछाया जाएगा तो वो कहाँ बिछाया जाएगा, वो बिछाया जाएगा फर्श पे, रूम का जो फर्श है उसी पे दरी बिछाई जाएगी। और उसका आपका क्या दिया गया है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो हमें इसमें ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है, ऊंचाई का यूज कहाँ पे होता है, जब हमें दीवार का क्षेत्रफल निकालना होता है, लेकिन फर्श के क्षेत्रफल में ऊंचाई का कोई यूज नहीं होता है। अब देखिए इसमें कहता है 50 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने की लागत क्या आएगी यदि दरी का प्रति मीटर लंबाई का लागत दिया गया है 12.5 रुपया। पूछा जा रहा है इसमें खर्च कितना लगेगा, लेकिन उसके लिए हमें ये जो दरी दी गई है, तो दरी की आपको चौड़ाई दे दी गई है कि इतनी चौड़ी, लेकिन दरी का जो पैसा जब हम मार्केट जाते हैं खरीदने के लिए, तो दरी हमें किस भाव से मिलता है, तो उसकी लेंथ के हिसाब से हमें देनी पड़ती है कीमत, चौड़ाई के हिसाब से नहीं। मीन्स कि आप थोड़ा समझिए कि अगर हम थान यानी कि पूरा बंडल जब हम किसी कपड़े का लेने जाते हैं, तो इस तरह का बंडल बना हुआ रहता है और इसी में क्या होते हैं, सारे के सारे कपड़े लपेटे हुए रहते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो तो फिक्स है कि जितनी रहेगी ही, लेकिन हमें जो पैसा लगता है वो जितनी लेंथ की हम लेते हैं उसी हिसाब से हमें पैसे पे करने होते हैं। यानी कि पैसे का ये खर्च निकालने के लिए हमें सबसे पहले दरी की लंबाई निकालनी होगी। अब दूसरी चीज, कमरे की जो भी लंबाई और चौड़ाई है, मान लेते हैं ये लंबाई चौड़ाई है, इस फर्श पे हमें बिछाना है, तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही क्या होगा, दरी का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि जितना ये निकलेगा हमारा वर्ग स्क्वायर, तो उसी के अनुसार से हमें दरी भी लेना होगा और उतने में ही इसे बिछाना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कमरे का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, दरी का क्षेत्रफल। अब आ जाइए, कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, और दरी भी लंबाई और चौड़ाई होती है इसमें, तो इसका भी क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, इसे हम बड़ी एल और बड़ी बी से डिनोट कर दिए। अब देखिए लंबाई दी गई है इसकी 12 मीटर और चौड़ाई दी गई है 8 मीटर, इसकी लंबाई निकालनी है हमें पता नहीं है, और बी कितना दिया गया है 50 सेंटीमीटर। अब एक चीज, ये दोनों हमारा मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, और जबकि यहाँ पे जो खर्च दिया गया है ना, प्रति मीटर के हिसाब से दिया गया है, यानी कि हमें लंबाई भी मीटर में ही निकालनी होगी, तो इसे हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं 100 से डिवाइड करके। इसे जब हम कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2। अब इन ये 12 × 8 और क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा हमारा, लेंथ जो हमारा निकल जाएगा वो निकल जाएगा 192।
खर्च निकालना है हमें। जब दरी की लंबाई निकल गई कि 192 मीटर लंबी दरी चाहिए हमें और 1 मीटर का खर्च लगता है 12.5 रुपया, तो 192 मीटर का खर्च कितना लगेगा, तो हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉइंट हटाया हमने, 0 0 उतारे, ये हो जाएगा हमारा कट। इसे आप अगर 5 से काटेंगे तो 5 से कट जाएगा ये 25 बार में, ये 2 बार में। फिर से 2 से अगर हम काटते हैं तो ये कट जाएगा हमारा 96 टाइम में, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2400 रुपया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 10% वृद्धि कर दी जाए तो नया आयत का क्षेत्रफल मूल आयत के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। अब इसमें ये नहीं पूछा कि वृद्धि कर देने पर क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, इसमें क्या पूछा कि कितना गुना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, सबसे पहले आप ये निकालिए कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए थे कि एक प्लस माइनस करके, और एक आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 40% की वृद्धि तो 140, 10% की वृद्धि तो 110 और बटे 100। हमने इस तरीके से आपको बताया था करने के लिए। ये इसे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 154, यानी हमने कहा था कि 100 से जितना आ जाए ये उतना परसेंट बढ़ जाएगा। यानी अगर इसे परसेंट के बारे में पूछता तो हम क्या लिखते कि 54% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। लेकिन यहाँ परसेंट में नहीं पूछा गया, पूछा गया कितना गुना बढ़ गया। तो देखिए, ये वृद्धि होने का मतलब कि ये पहले 100 रहा होगा क्षेत्रफल और अब हो गया कितना 154, तो कितना गुना बढ़ गया। तो इसे हम करेंगे क्या, कितना गुना बढ़ गया ये करने के लिए हम क्या करेंगे, 154 में बस इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे कितने से, 100 से। ठीक है, क्योंकि ये हो गया हमारा परसेंट में निकल गया कि 54% की वृद्धि और कितना गुना बढ़ गया करने के लिए बस हमें क्या करना है कि इसे 100 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि पहले था कितना 100। तो इसका जब हम निकालेंगे तो 1.54 गुना ये वृद्धि हो चुका रहेगा। बस हमें इसे ऐसे ही बनाना है, यही हो गया हमारा आंसर। इस तरीके के आपको चाहे आयत में दे दे या फिर वर्ग में दे दे, लंबाई चौड़ाई जो भी करके आप इसे निकाल सकते हैं। तो आज का वीडियो आप सबों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।